अरे तुम भी कुछ खा लो, तुम्हारा उपवास से भंडार नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? ऊपर वाला तो त्याग ही देखता है, उसकी कृपा से बस इतना जुड़ जाए कि कल को लड़की का ब्याह करे तो किसी के आगे हाथ ना पसारने पड़े। अरे हमारी किरण की अभी पढ़ाई की उम्र है, और वैसे भी गरीब का बच्चा का धन उसका विद्या होता है। सुनो, गुड़ खा लो। अरे मीठा खाने से तुम्हारा उपवास नहीं ना टूटेगा? नहीं नहीं, अरे खा लो ना हमारे हाथ से। आप भी ना, नहीं खा सकती मैं। अरे आप लोगों को खुद से फुर्सत मिले तब ना बेटी पे ध्यान दे, पता है कहाँ गुल खिला रही है? क्या हुआ, काहे अपनी बहन के लिए जहर उगल रहे हो? जिंदगी कीड़े का मिला है तो अमृत कहाँ ढूंढे पापा, और वो किरण तो एक चर्सी को मुंह लगा लिए। जो को ईका बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, वो चर्सी किरण के स्कूल में पढ़ता है, वो टॉप का कर लिया, किरण तो उसके पीछे लट्टू हो गई। ना तू चलती ली लीट हो गई, सब सब रेडी है, सब रेडी है, खाली मीडिया भी आ गया, चल जाएगी रेडी, चल चल राधिका रेडी रेडी चल। ऋतुराज ए भाई ऋतुराज, तुम तो छा गए यार, हमारी बहन किरण को भी तुमने पीछे छोड़ दिया, पूरे जिले में फर्स्ट और वो सेकंड। देखिए हमें तो ना हमेशा से लगता था कि ऋतुराज एक नंबर का आवारा और नालायक लड़का है, लेकिन उसने तो हमारा सारा भ्रम ही तोड़ दिया, गजब का स्टूडेंट निकला, पूरे जिले में टॉप किया उन्होंने। चलो चलो ऋतुराज जी का इंटरव्यू लेते हैं, चलो चलो चलो। ऋतुराज जी आपने पूरे जिले में टॉप किया है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? जी हमारे पिताजी को, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। हमारे बेटे ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया। ऋतुराज जी वैसे तो आपने हर सब्जेक्ट में टॉप किया है, पर आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। आपका मतलब पॉलिटिकल साइंस? हाँ वही पॉलिटिकल साइंस। अरे आप सब टॉपर पे हंस रहे, आपको क्या लगता है इन्हें पॉलिटिकल साइंस बोलना नहीं आता होगा? अरे इस सब्जेक्ट में तो ये 97 नंबर लाए, आप इनसे कुछ भी पूछ के देख लीजिए। सवाल तो क्या, आप इनसे पॉलिटिकल साइंस का स्पेलिंग पूछ के देख लीजिए ना। चलिए बता दीजिए ऋतुराज जी पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग। बंद करो बंद करो, हमारे बेटे को नर्वस कर दिया तुम लोगों ने। चलो चलो। चाचा किरण तो ऋतुराज का पोल खोलने का प्लान बना रही थी, और ये जोगो कुछ भी सोच लिया किरण के बारे में। का जरूरत पड़ा था ये सब करने की, हमको नहीं बता सकते थे तुम? अच्छा सिर्फ तुम्हारा बहन नहीं है किरण, हमारा भी बहन है। हाँ हमको तो कुछ मानती नहीं है ना। क्यों किरण, हमारा रिश्ता तुझे तब याद आता जब तुझे पैसे मांगने होते, उस दिन 25,000 मांग रही थी। चुप हो जाओ। चुप भैया, काहे चुप रहे, उस 25,000 का तुम्हें भी लिख क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिल रहा था? क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा जोगो भैया ना हमको समझते नहीं है, आपको लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? हम दिन रात अपना मेहनत से पढ़ाई किए थे। हमें मालूम है बेटा, खुद का पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो, बहन पर उंगली उठा रहे हो। आपने बस इसका आरती उतारी है, हमें तो लगता है हमें मौज मौज में पैदा कर दिए। ए नवीन, कहाँ यहाँ पे पड़े रहते हो हमेशा, तुमको कोनो काम धंधा है कि नहीं? चलो बे, वो चाचा चाची और वो किरण बड़ा मेवा खिलाते तुमको। हाँ क्यों हमसे चिढ़ते रहते हो प्रदीप भैया, आप भी तो जोगो को चिपकते हो, जबकि जानते हो कि वो सिली से प्यार करता है। साला दोबारा सिली का नाम लिया ना तो काट के रख देंगे तुमको, समझ हो? गनीमत समझो कि तुमको अपना छोटा भाई समझ के निभा रहे, वरना जानते हो ना पापा को भी लगता था कि तुम उनका बेटा नहीं हो। रुको, शर्म करो भैया शर्म करो, ये सब बोल के ना आप अपने ही माँ को गाली दे रहे हो। हाँ हाँ लिया था हमने भी उनकी कोख से जन्म, लेकिन तुम उनकी कोख में कैसे आए इस पे तो पापा को भी शक था, तो हम कैसे मान ले कि सच क्या है? अब पैदल आना चलते। तुम डरो मत सिल्ली, हम सब संभाल लेंगे। जोगो तुम समझ नहीं रहे हो, अरे भैया हमें मार डालेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सिली। जोगो भैया क्या हुआ? भैया सिली दीदी रो क्यों रही है?
जोगो, ए जोगो बाहर। क्या हुआ मालिक? कहाँ जोगो का है? जोगो नहीं है मालिक। नाटक मत कर, मालूम अंदर छुपा रखा है। ए ढूंढो उसको। ए जोगो, क्या हुआ मालिक? हम सच जोगो, हम सच कह रहे हैं जोगो। मालिक, मालिक को नहीं। जोगो, कहाँ मिला? क्या हुआ मालिक? साले तेरा बेटा ना हमारी बहन को लेके भागा है। क्या? तुम सब हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, तेरे बेटे की इतनी जुर्रत? आपको कोनो गलत फहमी हुआ होगा। देख, अगर तेरा बेटा और हमारी बहन ना मिले ना, तो सबको काट के रख देंगे। बता रहे, काट के रख देंगे। हट। पता नहीं कहां मर गया, कब से फोन लगा रहे हैं। लेकिन चाचा जी, क्या जोगो ने सच में ऐसा कुछ किया है? हाँ प्रदीप भैया, ये सच है। जोगो भैया और सिली दीदी एक दूसरे से प्यार करते हैं। चुप कर तू, जानती भी है सिली का भाई आकर जोगो को जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। हाँ माँ, हमको पता है, और भैया और दीदी भी इसी बात से डरे हुए हैं। तुमको पता है कहाँ वो? आइए, यही है वो दोनों। जोगो भैया, जोगो, जोगो भैया, किरण भैया, दीदी भैया कहाँ है? वो तो यहाँ पे नहीं है। नहीं है मतलब? उसने यही रुकने को बोला था, पता नहीं कहाँ चला गया। बेटा तुम अपने घर जाओ। हम वहाँ नहीं जा सकते, हम जोगो से। देखो बेटा, तुम बड़े लोग हो और तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है, और हमने तुम्हें वहाँ नहीं भिजवाया ना, तो तुम्हारे पापा और भैया हमें जीने नहीं देंगे। जाओ बेटा, घर जाओ। हम वापस नहीं जा सकते, हम प्रेग्नेंट हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या ये बच्चा जोगो का है? देख दरोगा, वो हमारी बेटी है। हमें हमारी बेटी हर हाल में सही सलामत चाहिए। चिंता मत करिए प्रधान जी, आपकी बेटी को ढूंढ के जोगो को अपहरण के केस में अंदर डाल देंगे, ठीक है ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहन पर नजर डाला है उसने, अंदर मत डालना उसे, हमारे सामने ले आइए बस। गुरु, धन्यवाद प्रधान जी। मालिक, सिलिथु। मालिक, हम आपसे हमारे बेटे की गलती का माफी मांगते हैं। आपकी बेटी हमारे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? मालिक, दोनों बच्चों से बहुत बड़ा गलती हो गया, हम माफी मांगते हैं। नहीं, 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 हम माफी मांगते हैं, लेकिन आपकी इज्जत के लिए हम अपना प्राण दे सकते हैं। मालिक, हमारा घर बार सब छीनने को है, ये जोगो भी ना पता नहीं किस मनहूस लड़की को पसंद कर लिया है। तुम इसे कोसने से बाज नहीं आओगे। हमारा कोई गलती नहीं है। अरे कुछ नहीं सुनना हमें, फटाफट सामान बांधो। और हाँ, वो किरण कहाँ है? किरण सुबह से तो यही थी, हम देखते हैं। किरण, वो किरण स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट निकालने गई है, हमको बोली आप पूछे तो बता देना। क्या घर में इतना सब बवाल मचा हुआ है? अरे लड़की भी ना, किरण को बिना पढ़ाई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। लेकिन किरण हमको बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जा सकती, ये सिली घुमा रही है हमको। तूने कहीं भेजा है ना उसको? बोल कहाँ भेजा है? नहीं, हमने नहीं भेजा उसको, वो खुद गई है। हम सच बोल रहे हैं, हम काहे झूठ बोलेंगे। राधिका, हमको क्या पता था कि हमको ऐसे अचानक अपना गांव, अपना स्कूल छोड़कर जाना होगा। हमको भी इस बात का दुख हो रहा है, लेकिन जोगो सिली को ऐसे अकेले छोड़ के तो नहीं भाग सकता। काका, काका, वो किरण। किरण कहाँ हो? किरण को काका इस तरफ, यहाँ पे, यहाँ पे कार थी, वो लड़के हमें यहीं मिले थे, हम इस तरफ भाग गए थे और किरण इस तरफ। किरण, 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 किरण। काका, किरण की फाइल मिली है। काका, ये किरण की फाइल उधर पड़ी थी, इसमें उसके स्कूल का सर्टिफिकेट था जो स्कूल से निकाल के लाई थी। यही सब निकालने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची, किस हाल में होगी। काका, आपको पुलिस को बता देना चाहिए। कोई फिक्र मत कीजिए, हमने इस मामले को स्टेट लेवल पर उछाला है,
कि कैसे थाना प्रभारी ने आप लोग का कंप्लेन तक नहीं लिखा। अगर समय रहते उन्होंने कुछ किया होता तो किरण बेटियां हमें जरूर मिल जाती। डीएम सर ने हमको आश्वासन दिया है कि लोकल एसएचओ को वो तुरंत ही सस्पेंड करेंगे और नई टीम को ये केस सौंपेंगे। देखो बिकू, तुम लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। एसपी साहब ने उस थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया। साहब, हमको हमारे बेटी ढूंढ कर ला दीजिए। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे साहब। जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। संभालो अपने आप को, संभालो। देखो, तुमको इंसाफ दिलाना ये हमारा फर्ज है। साहब, हमारा बेटा जोगू, उसको भी ढूंढ देंगे ना। किरण से पहले वो भी तो देखिए, हमको पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन पहले हम किरण के उस दोस्त से मिलना चाहते हैं जिसने उन लड़कों को विटनेस किया था जो किरण को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। सर, वो किरण बता रही थी कि वो गांव छोड़ के जा रही है, इसलिए वो हमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन वहां वो लड़के आ गए, लेकिन हम भाग गए। वो लड़के थे कौन? पहले कभी देखा उनको? नहीं सर, लेकिन वो लड़के शहर के लग रहे थे। तुमने कहा था कि वो लड़के एक गाड़ी में आए थे, उस गाड़ी का नंबर कुछ ध्यान में है? नहीं सर, लेकिन वो ग्रे कलर की छोटी कार थी। आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं वो? जो भी हो साहब, पक्का इस सिली के बाप और भाई नहीं भेजे होंगे। उन्होंने हमारे बेटे के साथ भी कुछ किया है। सर, वो हमारे भैया हो या पापा, आप उनको पकड़िए, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, भीकू के लड़के ने ना सिर्फ हमारी बेटी को पेट से किया बल्कि उसे भगा के भी ले गया। हमें बहुत गुस्सा आया था। ना हमने जोगो को गायब किया और ना ही उसकी बहन को। आपके बेटे ने सिली को जान से मारने की कोशिश की है और किरण के कजिन को भी बुरी तरह से पीट दिया है। ए इंस्पेक्टर, ये तेवर ना तू हमारे सामने मत दिखा, जानता है ना हम कौन है? कौन? बोलना कौन है तू? बोलना छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप बेटे को? ये है तू प्रधान का बेटा जो फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हम वो नहीं है जो अपनी बेटी के लिए किसी और की बेटी को यहाँ से उठवा दे। वो सब हम आपके बेटे से उगलवा लेंगे, लेके जाओ इसको। सर, राधिका के अनुसार वो लड़के ग्रे रंग की कार में आए थे और सर किरण यहीं से गायब हुई है। इस रोड पे जहाँ कहीं भी सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलवाओ, वो कारों में जरूर कैप्चर हुई होगी। नमस्कार चामू काका, हम जोगो, वो विजू मामा हमको भेजे रहे, वो बोले थे कि आप हमें कुछ काम दे देंगे। चाय बनाना आता है तुझे? हाँ, लेकिन हम दूसरी बिरादरी से, लोग हमें हाथ की चाय पियेंगे? ये छुआछूत गाँव देहात में चलता है, शहर में ये सब नहीं चलता है। ये गुरु इतनी आसानी से कुछ उगलने नहीं वाला है, हमें उसके और उसके बाप के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। और ये राधिका, उसने जिन लड़कों को विटनेस किया था उनका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके सर। मैं कमिश्नर सर? सर, प्रधान का लॉयर आया है गुरु की बेल करवाने। ठीक है, जाने दो उसे, लेकिन उस पर नजर बनाए रखना। देखो, बड़ा वाला पुलिस घुसा गया केस में, हमसे हर छोटी से छोटी बात पूछ रहे हैं, इसलिए कुछ दिन फोन ना ही करो तो अच्छा। हमको लो फिर आ गए, रखते हम। गांव के बाहर वाली रोड के पास के एक सीसीटीवी का फुटेज चाहिए, और ये कार वैसी है जैसी तुमने हमें बताई थी। सर पक्का यही कार थी वो, इसमें ही वो लड़के आए थे। ये आकर सिंह है सर, वो कार इसी के नाम है। कार लखनऊ के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लखनऊ पुलिस को इसके एड्रेस पर भेजा था लेकिन घर बंद मिला इसका। ये गायब है मतलब पक्का इसी ने किरण को गायब किया है। ये आकाश सिंह का वो प्रधान और उसके बेटे गुरु के साथ कोई कनेक्शन मिला? अभी तक तो कोई कनेक्शन नहीं मिला। आरटीओ रिकॉर्ड से इसका एक नंबर भी मिला है, वो नंबर भी बंद है। हालांकि इसके दोस्त रिश्तेदार सबका पता करवा रहा हूँ। चाचा जी, हमसे ना आपका ये दुख देखा नहीं जाता। उस दिन हम डर गए थे इसलिए ऊंची आवाज में बात कर गया आपसे, लेकिन ये दूसरी जात वाले हैं ना, इनसे हमें बहुत नफरत है, जिन्होंने सदियों से हमें अपने पाँव के नीचे दबा के रखा। हमारा बच चले तो इनकी इनकी पूरी नस्ल ही खत्म कर दे हम। भेदभाव का आग से किसी का जोड़ हुआ है का? हम भी टूट गए और कोनो जरूरी नहीं है शैतान का औलाद शैतान ही पैदा हो। सिली को अपना बहू माने, इसलिए आज के बाद यहां आकर ऐसा कोई बात करने की जरूरत नहीं। बस कीजिए आप, आपके मान बनने से हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे का? ये लड़की के तो पाँव ही अपशगुन है। सिंधु, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है का कसूर है उसका?
अरे औरत हो तुम, इसकी जगह आकर सोचो, इस पर का कम गुजर रही है का? हाँ तो गुजर रही होगी, हम कुछ नहीं रहते, हमको हमारे बच्चे चाहिए बस, हम नहीं जी सकते हमारे बच्चों के बिना। सिंधु, ऐसा नहीं। सर वो कार वाला आकाश सिंह, उसका दोस्त अमन यहीं पे रहता है सर, उसके सीडीआर से हमने उसका नंबर चेक किया, हमने पूछताछ की, वो यहीं पे छिपा हुआ है। भाई रुक। ए, तुम बंटी भैया को रिप्लाई नहीं करते? कौन है भी तू? 37 लाख रुपए मांगा बंटी भाई ने तुमसे। ये सुकड़ा, तू क्या बंटी का नाम लेके मुझे डरा रहा है? निकल। प्रोस्टिट्यूट? ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, उन लड़कों का यही कहना था कि वो तुम्हें और किरण को प्रोस्टिट्यूट समझ रहे। मैम वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमने कब कहा कि हम उन पे भरोसा कर रहे हैं? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम और किरण ऐसी जगह पे मिले ही क्यों? वो सर, किरण हमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी और उसी ने हमको वहाँ आने के लिए कहा था। तब किरण के साथ वहाँ कोई लड़का भी था जिससे किरण पैसों के लिए झगड़ रही थी? लड़का? क्या किरण को किसी लड़के के पास पैसे लेने थे? कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? उन लड़कों के कहने पर हमारी किरण के बारे में ऐसा सोच रहे हैं? देखो भिखू, हम ऐसा नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किरण की जिंदगी में कोई लड़का था जिसे उसने उधार दिया था। हम तो हमारी बिटिया को जेब खर्च भी नहीं दे पाते थे, वो भला किसी को कैसे उधार देगी? तेरे पहले मर्डर का इनाम। लेकिन भैया वो बिल्डर तो हमको एक रुपया भी नहीं दिया। तूने से मार के मार्केट में हमारे खौफ का इजाफा किया है, जिसे मांगेंगे 5 जोड़ के देगा। तो हम जो मांगेंगे दे दोगे? हाँ, एक बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाला हमारा। अगर ऐसी ही बात है तो आप ना हमको 25,000 रुपए दे दीजिए। भैया आप बिल्कुल मत डरिए, हम पापा से कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम उनको आपका शादी के लिए मनाएंगे। सर आकाश और उसके दोस्त बार बार यही कह रहे हैं कि उन्होंने किरण को किसी लड़के के साथ झगड़ते हुए देखा, लेकिन सर हमें ऐसे किसी भी लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो क्या ये आकाश और उसके दोस्त उस लड़के की कहानी बना घर बचने की कोशिश कर रहे हैं? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राधिका भी हमसे कुछ छुपा रही है। वो कैसे? ये राधिका ऋतुराज नाम के लड़के के काफी टच में थी और किरण का ऋतुराज से इशू था। इशू? कैसा इशू? सर वो एग्जाम घोटाला। ऋतुराज ने 10th के एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, लेकिन जब मीडिया ने उसका इंटरव्यू किया तो वो पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग तक भी नहीं बता पाया था। ये देखिए सर, इस वीडियो को देखने के बाद एजुकेशन बोर्ड में इंक्वायरी बैठ गई, जिसमें सामने आया कि ऋतुराज के फादर गणेश ने रिश्वत देके एग्जाम रिजल्ट में हेराफेरी करवाई थी। ऋतुराज का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद किरण को डिस्ट्रिक्ट टॉपर अनाउंस किया गया था, और ये सारी गड़बड़ी के बाद गणेश को अरेस्ट भी किया गया था सर। लेकिन ये गणेश तो जमानत पर बाहर आ गया, पर ये ऋतुराज राधिका के काफी टच में था और वारदात वाले दिन भी राधिका ने ऋतुराज को कॉल किया था। तो क्या ऋतुराज के कहने पे ही राधिका ने किरण को जानबूझकर उस जगह बुलाया होगा? देखिए जो होना था सो हो गया, हम कोई गुस्सा पाल के थोड़ी ना बैठे थे किरण के साथ। किरण की वजह से आप जेल हो गया है, आपके बेटे का करियर बर्बाद हो गया। अरे काहे आप बाल का खाल निकाल रहे हैं? कोई सबूत है आपके पास हम कुछ किए हैं? सच तो आपका बेटा बताएगा। क्यों ऋतुराज, किरण को उस दिन गांव के बाहर वाली रोड पे बुलवाने के लिए राधिका को तुमने ही कहा था? ये कौन बोला आपको? काहे परेशान कर रहे हैं आप हमारे बेटे को? देखिए आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपके अंदर भी प्रधान से कम अकड़ नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलके अपना? अपनी कहानी बंद कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं है, प्लीज। सर हम मानते हैं हम ऋतुराज से फोन पे बात कर रहे थे, लेकिन दोस्त तो हम किरण के ही थे, उसको दगा देंगे क्या? हो सकता है दे दिया हो। अगर हमें बाद में पता चला कि तुम भी इस कांड में इन्वॉल्व हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए जो भी सच है अभी बता दो। कुछ नहीं है सर, आप गलत सोच रहे हो। राधिका का रवैया तो एकदम से बदल गया है, लेकिन आकाश और उसके दोस्त भी अभी वहीं के वहीं हैं। शर्मा अगर मान लो कि वो लोग सच बोल रहे हैं तो फिर तो हमें उस लड़के का भी पता करना होगा जिससे किरण पैसे मांग रही थी, उनसे उस लड़के का स्केच बनवा के देखो। ओके सर।
सुनिए जी, क्या हुआ? वो किरण की शादी के लिए जो सोने की चेन बनवा के रखी थी वो कहीं मिल नहीं रही है, और जिस गुल्लक में हम पैसे जमा करते थे वो भी खाली है। ये क्या कह रही है तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि किरण अपने साथ लेकर चली गई हो? देखा, ये भीखू की वजह से कैसी उल्टी हवा बहने लगी हमारे गांव में। पुलिस ने पहले आपको परेशान किया, अब वो इंस्पेक्टर मेरे गिरेबान पर हाथ डालने को तैयार है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब भीखू की तरह उसकी जात का हर आदमी हमारे सर पर बैठने की कोशिश करेगा। मैं तो कहता हूँ कुछ ऐसा किया जाए कि साला कोई दोबारा हिम्मत ही ना कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ बंटी भैया, हाँ हाँ, आपका हाथ हमारे सर पे है तब तक हमें किसी का डर नहीं, लेकिन ये लड़ाई हमारा बंटी भैया, हमको निपटाने दीजिए। सर, आकाश ने उस लड़के का स्केच बनवाया है जिससे किरण पैसे मांग रही थी। पता करो ये कौन है। सर, 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 बोलो। क्या हुआ? सर बोलो, मार डालेंगे। मार डालेंगे? कौन? सर, सर किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसी रात हुई है जिस दिन उसे गांव के बाहर वाली सड़क पर देखा गया। सर, लड़की के साथ बहुत ब्रूटैलिटी हुई है, इवन उसके मुंह में पीओपी भर दिया गया था। हालांकि बॉडी डिकम्पोज हो जाने की वजह से रेप कंफर्म नहीं किया जा सकता। सर, एक बात गौर करने वाली है, लाश पे काफ़ी मात्रा में नमक डाला गया था। मतलब कातिल चाहता था कि बॉडी जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए और फिर लाश को भीखू की जमीन में गाड़ दिया। एक्सक्यूज मी सर, हेलो, मैं कमिंग सर। लॉज में जो मोबाइल फोन्स मिले थे उनमें फेक आईडी के सिम थे, लेकिन एक फोन की कॉल हिस्ट्री में प्रदीप का नंबर मिला है। प्रदीप? हमको नहीं पता सब ये जोगो ने क्या क्या कांड करके रखा था, हमको तो कुछ दिन पहले उसने फोन किया था। उसकी फैमिली तो कह रही थी कि उसे प्रधान और गुरु ने मार दी, और वो तुझे फोन कर रहा था। हम बताया ना साहब आपको कि हमको कुछ दिन पहले फोन किया था वो, उसने बताया था कि वो बाराबंकी में किसी काम की तलाश में गया था। प्रदीप भैया, हम सोचे थे यहाँ कुछ काम मिल जाएगा तो सिल्ली को अपने साथ ले आएंगे, लेकिन हम तो यह अलग ही दुनिया में फंस गए। तुम तो एक नंबर के डरपोक हो, तुमको पता भी है तुम्हारे पीछे यहाँ पे क्या क्या हुआ है? हाँ पता है, सिली का बाप और भाई तुम लोग को परेशान कर रहा होगा, लेकिन हम आ रहे हैं सिली को उसका हक दिलाने के लिए, और राखी पे किरण से भी वादा किए थे 25,000 देने का। लेकिन चोगो, किरण तो गायब हो गई है। का? ये बात हम आपको कैसे बताते सर? मैं कमल सर, सर वो लड़का अमृत जिसका आकाश ने स्केच बनवाया था, सर वो दो दिन पहले सीतापुर में एक फ्रॉड केस में अरेस्ट हुआ है। सर, मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं किया है, और मैं किरण को क्यों मारूंगा सर? अबे ओ, नाटक बंद कर। जिस दिन किरण गायब हुई थी ना, तू ही देखा गया था उसके साथ। तूने ऐसा क्या फ्रॉड किया किरण के साथ जो उसे ऐसे मारना पड़ा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं बस एक फेक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाता था, और किरण नौकरी की तलाश में मुझसे मिलने आई थी। सर, हमारी 10वीं पूरी होने वाली है, और कॉलेज के साथ साथ हम जॉब भी करना चाहते हैं। ऐसा करो, तुम रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद में हम तुम्हारे लिए फटाफट जॉब ढूंढ देंगे। कैसा रजिस्ट्रेशन सर? बस रजिस्ट्रेशन की एक वन टाइम फीस जमा करानी, सिर्फ 25,000 रुपये। सर, हम उसकी ही तरह कई लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे ठगी कर चुके थे, लेकिन सर वो फिर धमकी देने लगी थी हमें, और इसीलिए हमने उसे गाँव की बाहर वाली रोड पर मिलने के लिए बुलाया था। कहाँ है हमारे पैसे? बहुत अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए बात कर ली है, 7 दिन के अंदर इंडिविजुअल कॉल आ जाएगा। हमको ना अब तुम्हारी बातों में आना नहीं है, समझे तुम? हमको बस हमारे 25,000 चाहिए, मतलब चाहिए। अरे, रजिस्ट्रेशन के पैसे वापस नहीं मिलते हैं। ऐसे कैसे नहीं मिलता? सर, वो गले ही पड़ गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग निकला, पर कसम से बता रहा हूँ सर, उसके बाद में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। क्या किरण इसलिए सोने की चेन बेच दी क्योंकि वो चाहती थी उसे नौकरी मिल जाए, और वो नौकरी करके हमारा हाथ बटाना चाहती थी, और हम किसी लायक नहीं है। मैडम, कुछ रोज पहले एक लड़के ने 35 किलो नमक खरीदा था हमसे, हमें भी बहुत अजीब लगा। कौन था वो?
खोल। हमारी माँ बहुत खूबसूरत थी। हमारा बाप कहता था कि हमारे बिरादरी में सुंदर औरतें नहीं बचती, वो धंधा करने वाली बन जाती है। उस दिन जब किरण को हमने देखा, हमको लगा वो भी वैसी है, धंधा करने वाली। भाई मानती थी तुझे, वो राखी बांधती थी और तूने उसी का रेप किया। अपने माँ का अतीत और अपने बाप के कारण हम अपना आपा खो बैठे। सर, जोगो की हत्या में नवीन का हाथ नहीं है, वो बंटी गैंगस्टर की राइवलरी गैंग का ही शिकार हुआ है। किरण के रेप और मर्डर में उसके कजिन नवीन का हाथ होना अपने आप में शॉकिंग है सर। किरण तो नवीन को अपने भाई जोगो से ज्यादा मानती थी और उसी ने। शर्मा, 90% केसेस में औरतें उन्हीं लोगों का शिकार बनती हैं जिन्हें वो जानती हैं। इतनी शर्मनाक बात है कि अक्सर महिलाएं अपने करीबियों के बीच ही महफूज नहीं होती। पुलिसकर्मी होने के नाते हम हर कदम पर ऐसे क्राइम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे क्राइम्स तभी रुकेंगे जब ऐसा माहौल पैदा होगा कि लोग ऑपोजिट सेक्स यानी कि औरतों के प्रति अपनी सोच को बदलेंगे। लड़कों को ये बचपन से ही सिखाना बहुत जरूरी है कि वो औरतों को न सिर्फ अपनी बराबरी का दर्जा दे बल्कि उनके आत्मसम्मान को कभी आघात न पहुंचाए। और अगर ऐसा हो जाए तो शायद 50% से भी ज्यादा केसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.